किशोर जी हमारे साथ हैं। किशोर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? अच्छा है सर, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं सर किशोर जी आप? सर मैं बिहार के नवादा जिले से बोल रहा हूँ। नवादा जिले से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। किशोर जी बताइए क्या प्रश्न पूछना? बहुत दिनों के बाद सर रवि सर से सवाल करने का मौका मिला है। नहीं नहीं बिल्कुल सर, आप प्रश्न पूछते रहिए, रवि जी जो है आपको उत्तर अवश्य देंगे। बताइए सर, इसी को सुन सुन के मैं ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया हूँ सर। चलिए सर, सुन उम्मीद करते हैं आपको मुनाफा होता रहे और आपको नुकसान ना हो। और खास करके सर आपको रवि सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरे पास IRFC के 250 शेयर हैं, वह 138 रुपए के एवरेज प्राइस पर। 138 की 148? नहीं 148 सर, 148 रुपीज। अच्छा 148, 148 ठीक है। और सर NHPC के 170 शेयर हैं, अप्रोक्स 90 रुपीज के आसपास, 90 रुपए के आसपास। चलिए दोनों पे ही आपको उत्तर दिलवाते हैं, लेकिन जरा नजरिया हमें बता दीजिए कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर जब तक रवि जी कहें तब तक मैं होल्ड कर सकता हूं। चलिए ये अच्छी बात है आपकी कि आप जिसको फॉलो करते हैं उनकी बात को मानते हैं और जो है निश्चित रूप से आपको दोनों जगहों पर अच्छा मुनाफा हो रहा है और आगे भी होता रहे, हमारी यही कामना है। रवि सर दो सवाल हैं और दोनों ही ऐसे सवाल हैं जो कि बड़े कॉमन से सवाल हैं। रेलवे शेयरों में भी काफ़ी लोगों की पोजीशन फंसी हुई है, पावर में फंसी हुई है और बहुत लोगों ने प्रॉफिट भी कमाए हैं। यहाँ पर भी हमने देखा NHPC का शेयर 80 के नीचे भी जाता हुआ दिखाई दिया था और मुझे याद है कि आपने लोगों से कहा था खरीदारी करने के लिए। अब आज रिकवरी मोड में है, अब 93 के आसपास आता हुआ ये शेयर। अब IRFC के ऊपर भी इनका प्रश्न है जो कि 160 के आसपास चल रहा है, 12 रुपए इनको यहाँ पर भी मुनाफा हो रहा है। दोनों में कहाँ इनको मुनाफा बांधना चाहिए और ख़ासतौर से वो तमाम लोग IRFC और NHPC को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा इसी प्रश्न के माध्यम से उनको भी उत्तर मिल जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यही कहूंगा कि प्लीज कमेंट करते रहिए, हमें ज्यादा खुशी मिलती है। और जैसे IRFC और NHPC की बात करिए तो हमारे प्यारे शेयर हैं IRFC, अब 180 का टारगेट आएगा तभी निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। NHPC 110 का टारगेट आएगा तभी निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। जो लोग छूट गए हों वो लोग अगर लेना चाहते हो तो अभी भी 40% तक की खरीदारी यहां पर की जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टॉक्स को कंटिन्यू रखिए। और जो आपसे एक रिक्वेस्ट करी है, देखिए हम लोग अग्नि परीक्षा आपको बताएं रोज देते हैं, हमारी अग्नि परीक्षा कुल जी की अग्नि परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। नया आदमी आता है तुरंत पूछता है आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पुराना आदमी होता है तो कहता है क्या आपने कमवाया है। तो अग्नि परीक्षा मैनेजमेंट पूछता है कि आप कैसी कॉल दे रहे हो, दूसरा पूछता है आप क्या दे रहे हो। तो सर अग्नि परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन आपके जो हमें जो ये तीरों के बाण लगते हैं उसमें जब आपके कमेंट आते हैं तो दवा का काम करते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग उसको बंद मत करिए, कंटिन्यू करते रहिए।